नाम गौरव गौर है। जर्नी शुरू हमेशा जो होती है वो बर्थ से होती है। मैं एक बहुत साधारण से परिवार में जन्म हुआ मेरा। 1984 9 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ। हम दो भाई बहन हैं, मैं बड़ा हूँ और छोटी बहन भी है मेरी। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं इस वक्त, और मेरी मदर AVM के प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, आदर्श विद्या मंदिर जो RSS की स्कूल है। जोधपुर से हूँ बेसिकली मैं। सो आई स्टार्टेड माई इनिशियल लाइफ इन जोधपुर। सेंट एंथनीज स्कूल से मैं पास आउट हूँ जोधपुर के। और इनिशियली हमारे परिवार में सब लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स का ये परिवार है। मेरे जो ताऊजी हैं वो रिटायर्ड कमिश्नर थे जोधपुर के। तो घर वालों की हमेशा से उम्मीद थी कि मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा या कुछ ब्यूरोक्रेट बनूंगा। बट मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था क्रिकेट में और ग्लैमर में। तो क्रिकेट मैं बहुत सा खेलता था, मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, रणजी ट्रॉफी खेली है। बट परिवार का जो प्रेशर था, जो मदर का प्रेशर था पढ़ाई के लिए, उस वक्त इतना पैसा नहीं हुआ करता था क्रिकेट में। जब मैं क्रिकेट खेला करता था, जब IPL नहीं हुआ करता था, IPL से बहुत पहले की बात है, 2000 में मैंने खेला है क्रिकेट, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया मैं 2000 में। उस वक्त इतना कैश फ्लो नहीं होता था, इतना मनी नहीं होता था। तो मम्मी ने मुझे बोला कि मेरी मदर का मेरा बहुत बड़ा योगदान है मेरी जर्नी में, मेरी सक्सेस में, जैसा कि सबकी मदर्स का होता है आई एम श्योर। तो मेरा मम्मी ने मुझे बोला कि पढ़ाई ज़रूरी है और क्रिकेट में इतना कुछ है नहीं। तो इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन जयपुर में हुआ। दिस इज़ हाउ आई केम टू जयपुर। 2002 में मैं जयपुर आया। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। पेमेंट सीट पे मेरा एडमिशन हुआ। 60,000 रुपये के आसपास उस वक्त फीस हुआ करती थी। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर मदर दोनों ही जॉब करते थे और छोटी बहन भी इंजीनियर थी, इंजीनियरिंग में उसका भी हो गया था। तो ये प्रेशर था मेरे पे कि मैं फादर मदर तो फीस दे ही रहे थे, बट जो जयपुर में जो चीज़ें होती हैं, लाइवलीहुड होता है, वो मैं ही करूँ। और मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बीइंग अ एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, आई शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग टू माई पेरेंट्स। सो दिस इज आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन 2004। आई वॉज जस्ट इन सेकेंड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग। और मैंने 2004 से मेरा बिजनेस शुरू करा। प्लस जैसे कि मैंने बताया, ग्लैमर से मेरा जुड़ाव बहुत सारा था। तो मुझे लगता था कि मैं एक हीरो बन सकता हूँ, मैं एक मॉडल बन सकता हूँ। साथ साथ मैं मॉडलिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे करता रहा। 2007-8 में मैं बिजनेस भी करता रहा और मॉडलिंग भी करता रहा। एक फैशन शो हुआ था जयपुर में, जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई है। 2008 से है वो। एक फैशन शो हुआ था और बहुत ही रिनाउंड डिज़ाइनर हैं राजस्थान के। मैं ऑलमोस्ट रैंप पे जाने ही वाला था, बट उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बाल बड़े लंबे हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे इंडियन ड्रेसेस हैं और आप इस शो के लिए एप्लीकेबल नहीं, मैरिट की बात है। और मैंने मेरे पेरेंट्स को बुला रखा था शो देखने के लिए और फ्रेंड्स को बुला रखा था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो शो नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे जो अटायर था, उनका जो अटायर था वो इंडियन था और मेरे जो मेरा लुक था वो सूट नहीं कर रहा था उनको। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये शो नहीं कर पाएंगे। बहुत हर्ट हुआ मुझे। दिस इज़ हाउ स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ मॉडलिंग एंड एक्टिंग। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मना किया है, बट मैं अपना हार्ड वर्क करता रहूं। और दिस इज़ हाउ आई बिगेन जयपुर कुटियर शो एंड एलीट मिस राजस्थान। जयपुर कुटियर शो इज नाउ इंडियाज नंबर 5th रैंक फैशन वीक एंड एलीट मिस राजस्थान इज इंडियाज नंबर 1 रीजनल ब्यूटी पेजेंट, जो कि आज राजस्थान में सभी लोग एलीट मिस राजस्थान और जयपुर कुटियर शो के बारे में जानते हैं। तो सपना लेके सोचा था मैंने कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त IPL नहीं था, उस वक्त इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं थी क्रिकेट को लेके कि मैं क्रिकेट प्लेयर बन पाऊँ। फिर मुझे लगा कि मैं चलो मॉडल बनता हूँ, मैं एक्टर बनता हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा हाथ आजमाया और अच्छा कि मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करें गौरव गौर तो आपको बहुत सारे मेरे सॉन्ग्स मिलेंगे। मैंने TV सीरियल्स भी करे हैं। उसके बाद लोगों के सपने पूरे करने का मुझे बहुत बड़ा मौका भगवान ने दिया है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम गॉड। 2013 में मुझे याद है जब हमने एलीट मिस राजस्थान का सीज़न 1 किया था,
उस वक्त हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती थी कि मॉडल्स जो है हमें दिल्ली बॉम्बे से बुलानी पड़ती थी, और राजस्थान में बहुत टैलेंट है मेरा ऐसा मानना है, और हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स नहीं होती थी। तो हमें लगा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ शुरू करी जाए जिससे हमारे यहाँ के जो मॉडल्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करें, क्यों ना हम ऐसा कुछ शुरू करें जिससे कि यहाँ का जो टैलेंट है उसको काम मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले। एंड दिस इज आवर स्टार्टेड एलीट मिस राजस्थान एंड जयपुर कुटियर शो। आज एलीट मिस राजस्थान के 8 सीजन हो चुके हैं, जयपुर कुटियर शो के 10 सीजन हो चुके हैं, और बहुत ही प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि एलीट मिस राजस्थान ने राजस्थान को मिस इंडिया दी है। आज जितने भी मॉडल्स आप देखते हैं राजस्थान में काम करते हैं वो सब एलीट मिस राजस्थान की धरोहर हैं। बहुत सारी ऐसी यंग गर्ल्स हैं एलीट मिस राजस्थान में जो कि अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं एट अ वेरी यंग एज, राइट फ्रॉम आकांक्षा भल्ला टू शैरन टुम, सोनाक्षी, मोना गौतम, ईशा अग्रवाल, मेघा नीलांजना, सब बैठे हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। मेरे साथ हमेशा यही रहा कि मैं डिटरमाइंड था कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, और भगवान ने पूरा मौका दिया, अवसर दिया कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ। और अब आज जयपुर में ये जाना जाता है कि गौरव की जो लाइफ है वो दूसरों को समर्पित है। मैं हमेशा ही आज अब जो मेरा जीवन है वो दूसरों को समर्पित किया है मैंने, चाहे वो कोरोना वॉरियर का सम्मान मुझे मिला राजस्थान गवर्नमेंट से, और भी बहुत सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं वो मिले हैं मुझे बिकॉज मैं सोशल बहुत काम करता हूँ। जितना हो सके लोगों की मदद करना मेरा अब पेशा भी बन गया है, और यही मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही मेरे पे हाथ रहे भगवान का कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। इनिशियली जब करियर शुरू हुआ था मेरा एज ए मॉडल और एज एन एक्टर, तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ता, देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क। हार्डवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी के भी जीवन में, और हार्डवर्क मैंने भी बहुत किया, बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत लोगों ने मेरी स्ट्रगल देखी नहीं है क्योंकि मेरे को जब जानने लगे लोग तब तक मैं सक्सेसफुल हो चुका था। बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ, बहुत यंग भी हूँ। बहुत सौभाग्य है मेरा कि मुझे इतनी छोटी एज में इतना कुछ करने का मौका मिला है, इतना कुछ सोसाइटी को वापस देने का मौका मिला है। स्ट्रगल जैसा कि मैंने बताया, हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी लोग आज मुझे सुनेंगे और जो बाद में रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखेंगे हमारा, बैलेंस करना पड़ता है लाइफ में काम को, आपकी निजी ज़िंदगी को। मैंने भी वैसे ही अपनी पढ़ाई, अपने क्रिकेट करियर, अपने मॉडलिंग करियर को बहुत बैलेंस किया, और बहुत मेहनत करते थे हम। मुझे याद है जब एलीट मिस राजस्थान होता है तो मैं 6-6 महीने तक बहुत उसके लिए हार्डवर्क करते हैं हम, पूरा टैलेंट निकालना राजस्थान से। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं 10,000 गर्ल्स का मेंटर हूँ, और मैक्सिमम लोग मुझे गौरव सर के नाम से ही जानते हैं। एलीट मिस राजस्थान जब हमने शुरू किया तब से लेके अब तक जो फर्स्ट मिस इंडिया राजस्थान से हुई हैं, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, वो भी एलीट मिस राजस्थान से, और मेरी स्टूडेंट हैं अदिति हुंडिया। उसके बाद नेहा जायसवाल ने किया रिप्रेजेंट इंडिया को अगेन। चारवी तारा दत्ता, अगेन अ वेरी बिग नेम इन फैशन इंडस्ट्री, वो भी एलीट मिस राजस्थान से ही हैं। आकांक्षा भल्ला, अगेन अ वेरी बिग नेम, वो अगेन एलीट मिस राजस्थान से हैं। फैशन की अगर बात की जाए, जो जयपुर कुटियर हमारा जो ब्रांड है, जयपुर कुटियर शो, विच इज़ अ ईयरली होता है ये, और 3 डेज का एक फैशन वीक होता है जो कि अब नंबर 5th रैंक है इंडिया में। इसमें अगर आप देखें तो हम जितना हो सके लोकल टैलेंट को मौका देते हैं, लोकल टैलेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स, जितने भी वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, चाहे जितने भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि वो लोकल टैलेंट उभर के आए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ नर्चर करने की ज़रूरत है। और जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे उसकी एक्चुअल एबिलिटी का हमें पता नहीं चलता है। जयपुर कुटियर में हम जो मॉडल्स होते हैं हमारे, वो राजस्थान से होते हैं,
रिनाउंड डिज़ाइनर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स, फिल्म सेलिब्रिटीज इसमें आते हैं, और जो लोकल टैलेंट है उनको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलता है। विमेन एम्पावरमेंट की जब मैंने बात करी तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे राजस्थान गवर्नमेंट से, अशोक जी से अवार्ड मिला है, क्योंकि मैं 8-9 साल से विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत सारे सपने हैं जो मेरे पूरे नहीं हो पाए। आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर, आई वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, बट मैं नहीं कर पाया। सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे रहे फैमिली के भी, और उस समय इतना नहीं होता जैसे कि मैंने बताया। तो मैं दूसरों के सपने पूरे करने का मेरा उद्देश्य है लाइफ का, कि दूसरों के सपने पूरे हो पाए, उसी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब जब मैं एलीट मिस राजस्थान के 8 सीजन कर चुका हूँ, कुटियोर के 10 सीजन कर चुका हूँ, ये जर्नी अब जब शुरू हुई है तो मैं चाहूँगा कि ये जर्नी बहुत दूर तक जाए, और जो भी नया टैलेंट जो सपने देखता है, आज यहाँ पे हमारे साथ हमारे एलीट मिस राजस्थान की 2 यंग गर्ल्स बैठी हैं, 18-19 ईयर्स ओल्ड हैं, इनके भी बहुत सारे सपने होंगे कि कोई इनको भी पहचाने, जब ये काम करें तो इनको रिकग्निशन मिले, इनको बहुत सारा प्यार मिले और बहुत सारा आशीर्वाद मिले लोगों से। तो वही अब मेरे जीवन का एम है कि जितना हो सके मैं सोसाइटी को वापस दे पाऊँ, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, जब आप विमेन को सोशली फाइनेंशियली आप पावर देते हैं, और उसी में मैं और मेरी एंटायर टीम एलीट मिस राजस्थान की और जयपुर कोटियोर शो की लगे हुए हैं, ताकि कल को ये जो यंग गर्ल्स हैं 18, 19, 20, 21 की जो गर्ल्स आती हैं एलीट मिस राजस्थान में, उन लोगों को किसी और के सहारे की जरूरत कभी ना पड़े। क्योंकि अगर आप खुद के पैरों पे खड़े हैं, अगर आप खुद कुछ करते हैं, तो सोसाइटी में, फैमिली में आपकी अलग ही इज्जत होती है, अलग ही आपको पूछा जाता है। तो यही मेरा एम है। एलीट मिस राजस्थान में 1200 गर्ल्स एटलीस्ट पार्टिसिपेट करती हैं ऑल अक्रॉस राजस्थान, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। हम ऑडिशंस करते हैं, इसके बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ये फिनाले होता है एलीट मिस राजस्थान का, और आगे जाके वो बहुत सारी गर्ल्स अपना करियर बनाती हैं इसमें। बहुत सारी गर्ल्स आज टीवी पे देख पा रहे हैं, वो सब एलीट मिस राजस्थान से हैं। बहुत सारी गर्ल्स आज बहुत सारे एल्बम्स कर रही हैं, वो भी हमारे यहाँ से पास आउट हैं सारी। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली आपको, लाइफ में हार्डवर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट इन लाइफ। मेरा जो अनुरोध सबसे यही रहेगा, जो देख रहे हैं मुझे आज, सुन पा रहे हैं, कि जितना हो सके आप हार्डवर्क करें और हार कभी ना माने। रिजेक्शन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे भी किसी ने रिजेक्ट किया था, और फिर मैं अपने पैरों पर खड़े होकर आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं बोल पाऊँ किसी के सामने आके आज। कभी भी हार ना माने, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आप सभी के लिए लिखा होगा, बस अपनी मंजिल की तरफ रहें और काम करे जाएं। जितना आप काम करेंगे उतना ही लोग आपको, अपने आप उनकी नज़र आप पे बढ़ेगी और आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करने का मौका जरूर मिलेगा। आने वाले समय में मैं यही चाहूंगा कि जो जितने भी टैलेंट राजस्थान का है वो हम तक पहुंचे, और हम उनको जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अवार्ड्स की जहां तक बात है, अवार्ड्स तो जीवन भर मिलते ही हैं। मुझे भी अभी लेटेस्ट मुझे कैबिनेट मंत्री नारायण राणे जी ने यूथ आइकन ऑफ राजस्थान दिया है। जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि यंग टैलेंट को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, जहां पे आके वो अपने सपने पूरे कर सकें, क्योंकि किसी के सपने पूरे करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मेरे लिए तो बस यही अब जीवन है कि जितना हो सके दूसरों के सपने को पूरे कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।